डैंड्रफ, स्टिकी स्कैल्प, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग सा एक हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको जो भी आपका रेगुलर ऑयल है लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल है आपका उसे आप ले लें। उसमें आपको ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, इसके जगह में आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें लास्ट में आपको ऐड करना है 1/2 लेमन, इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेना है और लास्ट में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेमन हमारे डैंड्रफ को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू है तो आप इसे वीक में 2 टाइम अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से अपने स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद हमें 1 आवर्स तक इसे रखना है। इसके बाद नॉर्मल शैम्पू जो भी होगा आपका उससे अच्छे से आपको अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मॉनसून सीज़न में अगर आप थोड़ा भी मेकअप अप्लाई कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड बहुत ज़्यादा ऑयली सा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देता है। सो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्विक सा मेकअप लुक शेयर करूँगी। इसमें मैं 3-4 प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाली हूँ, इससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस को CTM प्रोसेस फॉलो कर लेना है। उसके बाद एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से अपने फेस को सेट कर लेना है। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मैट लुक मिलने वाला है, हमारा फेस ऑयली एंड ग्रीसी नहीं होगा। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है ब्लश। ब्लश के मैं प्रेफर करूँगी कि आप कोई भी ऐसे लिप एंड चिक टिंट अप्लाई करें, क्रीमी वाला ब्लश अप्लाई करें जिससे कि वो काफ़ी देर तक स्टिक करके रखता है और इससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्यूट और ब्यूटीफुल सा लुक आ जाता है। नेक्स्ट आपको अप्लाई कर लेनी है बहुत ही लाइट वेट सी एक लाइक न्यूड शेड की लिपस्टिक। ऐसे बहुत ज़्यादा डार्क सा लिपस्टिक का शेड यूज़ नहीं करना है, एक न्यूड शेड की लिपस्टिक आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपको अपनी आईब्रोज को फिल कर लेना है अच्छे से किसी भी ब्राउन आईब्रो पेंसिल के साथ। सो इससे आपका लुक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट एंड प्रीटी लगेगा और बिल्कुल भी ऐसे ग्रीसी केकी ऑयली सा मेकअप नहीं रहेगा, हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल लगेगा। इस मेकअप लुक को करने के लिए आपको ओनली 5 मिनट्स चाहिए होंगे एंड ये इतना इनफ है, आप इसे कॉलेज में, ऑफिस में, यूनिवर्सिटी, कहीं भी करके जा सकते हो। अगर आपको भी मेरी तरह अपनी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करना है तो आप यूज़ कर सकते हो लिटिल एक्सट्रैक्ट का राइसबेरी विटामिन सी सीरम। इसमें 10% विटामिन सी, 1% विटामिन ई एंड 0.5% फैलोरिक एसिड है फॉर ब्राइट एंड ग्लोई स्किन। इस सीरम को ऑल स्किन टाइप्स के पीपल यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस फ्री है जो कि इसकी बहुत ही अच्छी बात है एंड ये नॉन स्टिकी फार्मूला में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी हमारे फेस में स्टिकी एंड ग्रीसी नहीं है। इसमें है राइस बेरी जो हमारे स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, हमारे स्पॉट्स को रिमूव करता है, हमारे स्किन को इवन टोन करता है एंड अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन, एक्ने स्पॉट्स लाइक बहुत ज़्यादा डल हो गई है आपके स्किन तो आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से ब्राइट हो जाएगी, स्पॉट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएगी एंड स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा होता है। गाइस मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और देख रहे हो आप मेरे स्किन का टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है और जो मेरे स्पॉट्स थे वो भी काफ़ी अच्छे से लाइटन हो गए हैं। मॉनसून सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस, ऑयलीनेस, एक्ने, पिंपल को फेस करना पड़ता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एक अमेजिंग सा फेस पैक। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, 1/2 टेबल स्पून नीम पाउडर, अ पिंच ऑफ टर्मरिक, वाटर या फिर कर्ड की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के जो ऑयल वगैरह है उसे रिमूव करता है, नीम पाउडर हमारे फेस के एक्ने पिंपल को रिमूव करता है, टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्ने बैक्टीरिया को किल करता है एंड ऑल्सो हमारे स्किन को डिटेन करता है एंड हमारे स्किन को ग्लोई बनाता है। इस फेस पैक को आपको 10-15 मिनट्स के लिए अपने फेस में ऐसे ही रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। नेक्स्ट टिप है कि आपको जब भी बाहर जाना हो तो मेक श्योर आप अपने साथ एक अम्ब्रेला जरूर कैरी करें। लाइक आपको कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं भी बाहर जाना है आपको अम्ब्रेला जरूर कैरी करना है। एक छोटा साइज़ का अम्ब्रेला परचेज़ कर लें और अपने बैग में हमेशा के लिए कैरी करें। इनफैक्ट ये समर एंड मॉनसून दोनों सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें।
नेक्स्ट आपको यूज़ करना है मॉनसून में डिटॉल सोप। इसके अलावा आप डिटॉल लिक्विड वाला भी यूज़ कर सकते हो अपने वाटर में मिक्स करके। बट अगर आप सोप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो बैक्टीरिया वगैरह रहेगा, मॉनसून में हमें इन्फेक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अच्छे से रिमूव कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, इससे हमें किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आपको अवॉइड करना है ऐसे क्रीमी बहुत ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र को। आपको यूज़ करना है बहुत ज़्यादा ऐसे जेल वाले मॉइस्चराइज़र्स जो आपके स्किन को बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेंगे। मॉनसून में हमें वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऑयलनेस की, इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत ही अमेजिंग सा ऑप्शन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट वेट एंड हाइड्रेट करेगा आपके फेस को। अगर आप थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो आपकी स्किन में एक्ने वगैरह भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है अपने फेस में। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉइस्चराइज़र को स्किप करना है, आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। आप कोई लाइट वेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो। मॉनसून सीज़न हमें अच्छा तो बहुत लगता है, बट ये अपने साथ कोल्ड, कफ, फीवर, ये सारी चीज़ें लेके आता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहता है, इससे हमें ये सारी प्रॉब्लम इजीली अफेक्ट कर पाती हैं। सो इसके लिए आपको डेली रात में टर्मरिक मिल्क ज़रूर पीना है, इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहेगा, लाइक हमें किसी भी तरह का कफ, फीवर, कोल्ड नहीं होगा। टर्मरिक में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो इसीलिए आपको डेली रात में 1 कप टर्मरिक मिल्क ज़रूर पीना है। सो दैट्स इट टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।